नमस्कार, मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावण, मेरी यूट्यूब अविस्मरणीय चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। अगर किसी ने मुझे पूछा कि आपने भगवान देखा है, तो मेरा जवाब रहेगा, देखा तो नहीं लेकिन महसूस किया है। संगीतकार शंकर जयकिशन और उनके संगीत में मैंने भगवान को महसूस किया है। ऐसे ही संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी जो बरसात से जिन्होंने शुरुआत की और कई साल बरसते रहे, उन जोड़ी में से संगीतकार शंकर जी की आज 98वीं बर्थ एनिवर्सरी है। आज 15 अक्टूबर 2020 इस अवसर पर मैं मेरे चैनल की ओर से एक संगीत भरी आदरांजलि उन्हें पेश कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैंने आमंत्रित किया है एक ऐसी हस्ती को जिन्हें आपने रेडियो पर कई बार सुना होगा। ये है आरजे शुभांगी। आरजे शुभांगी रेडियो पर कई कार्यक्रम दे चुकी है और उन्होंने आज तक कई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लिए हैं, जैसे कि संगीतकार खय्याम, संगीतकार प्यारेलाल, गीतकार योगेश, अमोल पालेकर, और मराठी में उन्होंने बहुत सारे हस्तियों से मुलाकात की है, बातचीत की है, जैसे कि रामदास कामत है, डॉक्टर जब्बार पटेल है, अच्युत गोडबोले जी है, और ऐसी कई हस्तियां हैं जिनसे इन्होंने बातचीत की है। आरजे शुभांगी ने गोल्डन एरा के स्पेशलाइज सब्जेक्ट पर कई प्रोग्राम रेडियो पर भी किए हैं और उन्होंने स्टेज पर भी कई प्रोग्राम पेश किए हैं। तो मैं पेश कर रहा हूँ आरजे शुभांगी। नमस्कार। अविस्मरणीय में आज याद करेंगे उनको जिनके संगीत को सुनकर हम हैरत में पड़ जाते हैं, लगता है कि ये कैसे हो सकता है। और इसीलिए शायद नौशाद जी उनके लिए कहते थे कि वो म्यूजिशियंस नहीं, मैजिशियंस थे। वो दो नाम, शंकर जयकिशन। आज शंकर जी की जन्मतिथि है। पृथ्वी थिएटर की देन है ये संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की। अपनी पहली फिल्म बरसात से अपने संगीत की वो बरसात शुरू की इन दोनों ने कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। उनके गाने सुनकर किसी को अपना बचपन याद आता है, किसी को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, तो किसी को याद आता है कि किसकी खिड़की में से आती रेडियो की आवाज़ शंकर जयकिशन के गाने सुना जाती थी। ये मेरा दीवानापन है, ये उस समय के हर नौजवान का गीत था। जैसे वो समय ऐसा था, वो दौर ऐसा था कि संगीतकार के नाम पर फिल्में चलती थी, सुपरहिट हो जाती थी। किसी तूफान की तरह आए शंकर जयकिशन अपने साथ लेकर आए बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा और हाई पिच। शंकर जयकिशन का जो 50s का दौर है उसमें लता जी के गाए हुए बहुत ज़्यादा गाने हैं, और शंकर जयकिशन के 60s के दौर में रफ़ी साहब के ज़्यादा गाने हैं। राज कपूर के लिए तो मुकेश और मनारे थे ही। आर के फिल्म्स के बाहर जो फिल्में की शंकर जयकिशन ने, उनमें कहीं कहीं तलत जी की आवाज़ का बखूबी इस्तेमाल किया है इस जोड़ी ने। आइए सुनते हैं तलत जी के कुछ दो गीतों की झलक किरण शेम्बेकर की आवाज़ में। दिल कहीं और चल
नहीं कहा। अंधी जहां के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहां। दुनिया तो दुनिया तू भी पराया हम यहां न बहा। अंधी जहां के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहां। आशा जी के गाए हुए बहुत ज़्यादा तो गाने नहीं हैं, लेकिन जो भी गाने हैं बहुत सुंदर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरी कसम का पान खाए सैयां हमारों, उसमें वो जो पंक्ति है ले आया जालिम बनारस का जरदा, तो वहाँ पर जो तान ली है आशा जी ने लाजवाब है। और फिर आलाप आता है, उसके बाद अगली पंक्ति आती है, क्या ब्यूटी है गाने की। आइए इस गाने को सुन लेते हैं संगीता मेड़ेकर की आवाज़ में।
खलाकू का एक फीमेल ड्यूएट है, लता जी और आशा जी का। क्या कमाल का ड्यूएट बनाया है ये। मतलब कहाँ से लता जी शुरू करती है, कहाँ से आकर आशा जी की आवाज़ उनसे मिल जाती है और कहाँ पर ये दो आवाज़ें अलग हो जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। किसी जादू की तरह लगता है और ऊपर से गाने का टेम्पो। आइए इस गाने को सुन लेते हैं मीनल राव और नीलम की आवाज़ में। एक और ड्यूएट है आजा के इंतजार में, इसको सुनते हैं संजय सावंत और मीनल राव की आवाज में। आजा के इंतजार में जाने को है बाहर भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बाहर भी। मैंने कहा गाने का टेम्पो, मैंने कुछ गाने इतने फास्ट बनाए हैं शंकर जयकिशन ने कि हमें दौड़ना पड़ता है उनके साथ, लेकिन फिर भी कहीं भी मेलोडी का साथ नहीं छूटा है। जैसे लव मैरिज का गाना है हम जान गए सरकार, या फिर जिया ओ जिया कुछ बोल दो जब प्यार किसी से होता है का, या फिर जंगली का चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
ऐसा ही एक गाना दीवाने का नाम तो पूछो, आइए सुनते हैं डॉक्टर अजीत देवल की आवाज में। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहते न मिलना, अरे चाहते न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहते न मिलना, अरे चाहते न मिलना। ऐसा भी हुआ शर्का जय किशन के करियर में कि एक ही साल में उन्होंने कुछ 6-7 हिट फिल्में दे दी। अब वो समय ऐसा था कि एक ही फिल्म में 10-10, 12-12 गाने हुआ करते थे। अब ज़रा सोचिए, एक साल में अगर 6-7 फिल्में दी हैं शर्का जय किशन ने और हर फिल्म में 10-10 गाने, तो एक साल में कितने सारे हिट गाने दिए उन्होंने। ऐसी एक फिल्म उजाला का गाना सुनते हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावन की आवाज़ में। कहाँ आए हम।
रास्ते नाम की फिल्म का संगीत किया था शंकर जय किशन ने, और मुझे हमेशा ये लगता है और मैं ये अक्सर कहती आई हूँ कि बसंत बहार ये सिर्फ रागों के नाम नहीं हैं, शंकर जय किशन खुद एक बसंत और एक बहार थे। आइए इसी फिल्म का गाना सुनते हैं, सुर ना सजे, किरण शेंबेकर की आवाज़ में। सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सुना, सुर के बिना जीवन सुना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावण शंकर जय किशन की याद में एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है तुम्हें याद करते करते। फिल्म आम्रपाली का ये गाना है और इस वीडियो के अंत में यही गाना सुनते हैं मीनल राव की आवाज में। Thank you.
मुझे उम्मीद है कि ये शुभांगी जी की पेशकश आपको पसंद आई है। मैं उन कलाकारों का आभारी हूँ जिन्होंने ये गाने पेश किए हैं। वो सभी गायक कलाकार तथा संगीत संयोजक अजय मदन, स्वर्गीय नंदू चवाथे जी और उनके सभी वादक कलाकार, मैं उनका आभारी हूँ। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि संगीतकार शंकर जी हमारे सिम्फनी बैनर के पहले प्रोग्राम में, जो 1976 में पेश किया गया था षण्मुखानंद हॉल में, उसमें हमें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थे। इसी प्रोग्राम का सिल्वर जुबिली प्रोग्राम जब शिवाजी मंदिर में पेश किया गया, उसी वक्त भी शंकर जी फिर से हमारे प्रोग्राम में हमें आशीर्वाद देने के लिए हाजिर थे। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ऐसे फिल्मी दुनिया के कुछ किस्से, कुछ कहानियां और कुछ गाने आपको दोहराने हैं, आपकी यादें ताज़ा करनी है, तो मेरे अविस्मरणीय YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।